हाय गाइस, ये इस स्टोरी का आखिरी पार्ट है। मैंने 51 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट किए हैं। यदि इस स्टोरी में आगे क्रिएटर कोई अपडेट करता है तो मैं ज़रूर उसको अपडेट करूँगी, पर अभी तक के लिए ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जान भाई जांग को बिस्तर पर ले जाता है और फिर उन दोनों के बीच में इंटीमेट सीन होता है। ज़ियांग उसके बाद सो सा जाता है और फिर जब उठता है तो ज़ियांग भाई बोलता है कि क्या तुम उठ गए हो। तभी ज़ियांग को होश आता है और वो फटाक से ज़ियांग भाई के पास से बोलता है कि तुम दूर हटो, मुझे जाने दो, और पूछता है हम लोग कहाँ हैं। और तभी पता चलता है कि ज़ियांग भाई बोलता है कि हम लोग एक मेडिसिनल बाथटब में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा वैल्यू होता है इसके बात को लेने से। तभी जैन भाई उसको ये भी बोलता है कि जो तुम्हारे बॉडी के ऊपर मार्क्स हैं वो सब इस मेडिसिनल पानी की वजह से मिट जाएंगे। तभी जैन को याद आता है कि कौन से मार्क्स, उसको ऐसा समझ में आता है कि कौन से मार्क्स की बात बोल रहा है। तभी उसे याद आता है कि कल उनके बीच में जो इंटीमेट सीन हुआ था और जैन भाई ने जो उसके गले वगैरह पर हर जगह पे किस किया था, उसके मार्क्स हैं और वो इस बात को लेने से मिट जाएंगे। तभी जैन भाई बोलता है कि कल मैं थोड़ा गुस्सा था, जिसकी वजह से हमारे बीच में जो इंटीमेट सीन हुआ है वो थोड़ा हैवी था और उसके लिए वो माफी मांगता है। तभी जियांग उसको फट से अपने आप से दूर कर देता है, बोलता है तुम मेरे से दूर रहो, और ये भी बोलता है कि कल तुमने एग्री किया था कि यदि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तो हमारा ये सब नहीं होगा, लेकिन तुमने जो बात बोली उससे तुम पलट गए। तो जियांग भाई बोलता है कि सच्ची में ऐसा बोला था क्या मैंने, और लेकिन तुमने भी तो कल एंजॉय किया। तभी जियांग बोलता है चुप रहो चुप रहो, जल्दी से चुप रहो। तभी वो अपने मन में सोचता है कि वाकई में जो जान भाई बोल रहा है वो सही है, लेकिन मैं कैसे उसको उसके मुंह पे बोल सकता हूँ कि मैंने इंजॉय किया है। और वो बोलता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और उसके बाद जान भाई को बोलता है कि फिर भी मुझे वो सील के मैटर की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो जियांग बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। जान भाई बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पे भरोसा है, लेकिन फिर भी ये बात छोटी नहीं है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो जियांग पूछता है क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियांग भाई बोलता है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई हमारे को हार्म पहुंचाना पड़ता है, इसलिए वो मैंने फेक सील वहां रखी थी, लेकिन तुमने उसे उठा लिया, तुम एक स्टूपिड फिश की तरह थे और कुछ नहीं। और उसके बाद जियांग भाई बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो और तुमने मुझसे अपने दिल खोल के बात की, और मैं भी तुम पे अब बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तभी जियांग भाई पूछता है कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए। तो जियांग बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही चुप हूँ। और तभी वो पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी खूबियां थी, लेकिन उन सब खूबियों का अंत पता नहीं कैसे हो गया। तभी जान भाई उसे बोलता है कि मेरे पास जितनी भी खूबियां थी मैंने उनमें से कभी किसी को भी नहीं छुआ था। तो जियांग पूछता है तो फिर जब हमने शादी की तो तुमने क्यों फिर मुझे पहली रात को छुआ करके। तो जान भाई बोलता है मैंने तुम्हें इसलिए छुआ क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगे और मुझे तुमसे पहली बार में ही प्यार हो गया, मुझे सब कुछ मैजिकल सा लग रहा था। तभी जियांग को शर्म आ जाती है और उसे लगता है कि ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था जैसा मुझे जवाब मिलेगा, और वो फट से जियांग भाई को उनके ऊपर लेट जाता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद जान भाई उसे बहुत प्यार की नजरों से वो देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये एक अच्छा फीलिंग है कि जियांग उसके साथ है। तब तभी लोग आते हैं और बोलते हैं कि लॉर्ड, जो पॉइजनस स्नेक्स हमारे मैनर की तरफ घुस गए थे, हमने सबको पकड़ के बाहर निकाल दिया है। और तभी जान भाई पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। तो लॉर्ड एक्सुई बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और किसी ने पॉइजनस स्नेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी टाइप का एक पाउडर डाला था जिसकी वजह से वो सारे यहाँ आ गए। तभी जियांग बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी अंदाजा है कि ये किसने किया होगा। तभी जान भाई पूछता है तुम्हें क्या लगता है। तो जियांग बोलता है ऐसा नहीं है जान भाई कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें भी पता है, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें प्रूफ निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी जियांग बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें मेरे साथ मेरे आइडिया के हिसाब से चलना होगा, तो हम फट से जिसने स्नेक को यहाँ पर लूरे किया है हम उसको पकड़ सकते हैं। जान भाई और जान के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है वो एक प्लान बनाएंगे और जो रियल कल्प्रिट है उसको कैप्चर करेंगे।
अब दूसरी तरफ जो जियांग उनकी सिस्टर है जी मेंशन में से, वो तैयार हो रही होती है, उसकी मेड उसे तैयार कर रही है और बोलती है कि अब आप वो दिन दूर नहीं जब क्राउन प्रिंसेस बन जाएगी, मुझे तो वैसे भी आपको अब से ही क्राउन प्रिंसेस मेंशन करना चाहिए। जो जियांग बाई की जो सिस्टर है वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब वो क्राउन प्रिंसेस बन जाएगी करके। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वो सर्वेंट उसको बताती है कि कल रात को, लेकिन जियांग ने जान बाई को बहुत ऑफेंड कर दिया और वो बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने उसको प्रिजन के अंदर कैद कर लिया है और अब वो दिन दूर नहीं जब वो क्राउन प्रिंसेस नहीं रह जाएगी। तो ये सुन के वो बहुत ही खुश होती है लेडी, जो वो बोलती है कि ठीक है मैं जाना चाहती हूँ और जाके उसको जेल में देखना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट काम ये है कि जब लोग कुछ मतलब उनके साथ बुरा हो जाता है तो उनका खिल्ली उड़ाना मेरा फेवरेट काम है करके। तो वो दोनों जाते हैं और जेलर से बोलते हैं कि सर मैं जियांग से मिलना चाहती हूँ, क्राउन प्रिंसेस से मिलना चाहती हूँ। तो जेलर बोलता है कि हम आपको नहीं जाने दे सकते। तब वो बोलती है कि लेकिन वो मेरा बहन है और मुझे उससे मिलना है करके। तो फिर वो उसको अंदर ले जाते हैं और मिलने देते हैं। जैसे ही वो जियांग के पास पहुंचती है और वो बोलती है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें भी ऐसा दिन देखना पड़ेगा, और जियांग के ऊपर हंसने लगती है और बोलती है अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी पोजीशन होगी क्राउन प्रिंसेस की और तुम्हें अब क्राउन प्रिंसेस के ओहदे से हटा दिया जाएगा क्योंकि अब तुम इस जेल में मर जाओगे। तो जियांग बोलता है कि यानी कि जो कल स्नेक्स का सीन हुआ था वो किसी और की वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुआ था। तभी वो लेडी बोलती है कि हाँ मैंने ही उस एक ऐसे तरह की जड़ी बूटी पीस के डाल दी थी जो कि स्नेक्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तभी वहां पर लॉर्ड एक्सुई आ जाते हैं और वो पीछे से खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं, लेकिन ये बात उस लेडी को पता नहीं होती। जियांग गुस्से में आता है और उसके ऊपर वार कर देता है और उसे समझ में नहीं आता औरत को कि इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। जियांग तो काफी घायल सा दिख रहा है, उसके ऊपर सब खून के धब्बे हैं और सब कुछ तो उसके प्लान के हिसाब से था, तो फिर क्या हुआ। तभी वो पीछे देखती है कि लॉर्ड एक्सुई खड़े हैं और उसे समझ में आ जाता है कि वो शायद पकड़ी गई है और वो अपने आप को बचाने के लिए फट से जियांग के ऊपर आरोप लगाने लगती है कि देखिए ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है और ये लॉर्ड जान भाई को भी हार्म पहुंचाना चाहता है करके। लेकिन कोई उसकी इस झूठ को सुनता नहीं है। और फिर उसके बाद जान भाई भी आ जाता है, वो देखती है कि जान भाई आ गया, उसे लगता है कि पता नहीं कितनी देर से जान भाई यहाँ खड़ा था और उसने उनकी बातें सुन ली होगी। तभी आदेश दिया जाता है कि जान भाई की जो ये बहन है, थर्ड सिस्टर है, उसे जेल में रखा जाए, उसने हमारे को हार्म करने की कोशिश की है और क्राउन प्रिंसेस को हार्म करना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। ऐसा करके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जी राव भागते भागते आती है। जी राव जान बाई की कजन बहन है। जब वो भागती भागती आती है और वो पूछती है कि भाई क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, आप जियांग को छोड़ दीजिए, क्यों नहीं आप उसे छोड़ दे सकते, सारे महल तक में ये सारी बातें फैल गई हैं जो कुछ हुआ है, और आपने क्यों जियांग को कैद करके रखा है, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए करके। तभी जियांग बाहर निकल के आता है, लेकिन उसके ऊपर सब लाल रंग का कलर वगैरह, ब्लड स्पॉट्स वगैरह लगे होते हैं, जिसको देख के राव जो है वो डर जाती है और अपने भाई की तरफ देख के बोलती है क्या तुमने ऐसा इसके साथ किया, तुम ऐसा कैसे इसके साथ कर सकते हो। तभी जियांग जल्दी जल्दी में उसे समझाता है कि नहीं प्रिंसेस, जियांग भाई ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो चिकन ब्लड है, हम कल्प्रिट को पकड़ने के लिए हमने एक नाटक रचा था और वो नाटक सक्सेसफुल रहा। तब जान राव की जान में जान आती है और वो खुश हो जाती है कि जियांग को कुछ नहीं हुआ है। तभी वो बोलती है ठीक है फिर जब ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चलती हूँ और मेरे लिए तुम्हें और भी नए कपड़े बनाने पड़ेंगे, वो जियांग को ऐसा बोलती है। जियांग हाँ बोलता है और तभी वो घूम के उसको दिखाती है अपने नीले रंग का कपड़ा जो कि जियांग ने उसके लिए सिला होता है और बोलती है देखो कैसा लग रहा है, क्या मैं इस ड्रेस में खूबसूरत लग रही हूँ। जियांग बोलता है हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जियांग सोचता है कि ये इस कहानी की एक विलन होगी, लेकिन वो विलन नहीं निकलती, वो एक अच्छी सी लड़की निकलती है। जियांग को लगता है कि इसे मनाना बहुत ही आसान है, ये छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है। राव वहां से चली जाती है। जियांग भाई और जान के बीच में बातें होती है। जियांग भाई बोलता है कि तुम्हारा रिश्ता मेरी कजन के साथ बहुत अच्छा है, तो जियांग बोलता है हाँ अच्छा है, और वो उसे याद दिलाता है कि अब राव जो है वो बड़ी हो गई है और उसकी शादी अब हमें करनी चाहिए और उसे आदमियों से थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करता है। जियांग भाई इस बात को ध्यान में रखता है और तभी
उनका गार्ड आता है और बोलता है कि सर क्या ये ठीक होगा कि प्रिंसेस को और क्राउन प्रिंसेस को मतलब ज़ियांग को और जी राव को साथ में हमें बाहर भेजना चाहिए। तो फिर भी ज़ियांग भाई बोलता है हाँ ठीक ही होगा, हमें उन्हें बाहर भेजना ही होगा, तभी पता चलेगा कि वो सील कौन चाहता है और क्यों चाहता है। दूसरा दिन निकल पड़ता है, वो लोग अपनी जर्नी पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ये जर्नी कहीं और की नहीं होती है, जायरव को मंदिर जाना होता है इसलिए वो ज़ियांग को भी साथ में ले जाती है। जायरव जल्दी जल्दी चलना चाहती है, ज़ियांग बोलता है इतनी जल्दी क्यों चल रही हो, तुम्हारी उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। फिर भी वो लोग जल्दी जल्दी जाते हैं मंदिर में। पहले ही जी राव ने पहले ही अपनी सर्वेंट को भेजा होता है वहां पर तैयारी करने के लिए। वो लोग दोनों मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, तभी उनका एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि रॉयल हाइनेस हमें एक आपको रिपोर्ट करना है कि हमारी टीम पे किसी ने हमला करने की कोशिश की है। तभी वो बोलता है कि मैं अफ्रेड हूँ कि कोई हमारे पे हमला यहाँ करेगा। तभी बहुत सारे तीरों की बौछार होने लगती है। ज़ियांग पलट के देखता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करे, सारा हमला प्रिंसेस की तरफ ही डायरेक्ट हो रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि हमें प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जाता है जायराव को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जायराव बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर हम पे कोई हमला कर रहा है। वो लोग भागने लगते हैं, सारी तरफ से घिर जाते हैं। जब जायराव भाग रही होती है तो ज़ियांग अपने मन में सोच रहा होता है कि किसी ने जानबूझ के इस तरीके से हमला किया है कि सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ सके और बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वो किसी तरह जायराव को अपने साथ ले जाके भागने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि लेकिन मैं कैसे अकेले जायराव को बचाऊंगा। तभी एक तीर आके जायराव के पैर के पास आके लगता है और ज़ियांग पूछता है क्या तुम ठीक हो। जायराव बहुत घबरा जाती है और वो उसी डायरेक्शन में भागना चाहती है जिस डायरेक्शन में लोग नहीं है, और वो किसी तरह उस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करती है। तभी ज़ियांग उसको बचा लेता है और वो बोलता है कि तुम्हें किसी भी तरह यहाँ से जाना होगा ऐसा करके। तभी ज़ियांग भाई भी वहां पर आ जाता है और ज़ियांग भाई सबको मार डालता है वहां पर और इन लोगों को उस सिचुएशन से बचा लेता है। लड़ाई होती है और जान भाई जब लड़ाई करने के लिए आता है तो वो काफ़ी लोगों को मार देता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि प्रिंसेस को यहाँ से लेके जाओ और सब लोग प्रिंसेस को वहाँ से ले जाना मांगते हैं। तभी प्रिंसेस बोलती है कि लेकिन ब्रदर फैंग आपका क्या होगा और क्या आप ठीक है। और तभी ज़ियांग बोलता है क्या तुम नहीं चलोगे। तो तभी ज़ियांग पूछता है कि तुम्हारे जितने भी सोल्जर थे वो कहाँ रह गए, हम दो अकेले इन सबसे नहीं लड़ पाएंगे। तभी बहुत सारे लोग और आ जाते हैं और उन सबके साथ में उनका फाइट होने लगता है और ज़ियांग भाई फिर से अपनी तलवार निकालता है और सबको मारता है। ज़ियांग भी सबको मारने पीटने में उनकी मदद करता है, लेकिन फिर भी एक आदमी दूर से एरो शूट करता है जो ज़ियांग की तरफ एम होता है। तभी ज़ियांग भाई ज़ियांग को अपने गले से लगा लेता है और जो एरो निकलता है वो ज़ियांग भाई को लग जाता है। ज़ियांग भाई थोड़ा सा घायल सा हो गया होता है और तभी ज़ियांग ये देखता है, ज़ियांग को ये देख के बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत घबरा जाता है कि अब वो क्या करेगा, कैसे उसे बचाएगा। फिर भी वो ज़ियांग भाई को किसी तरह अपने कंधे पे लेके जाता है और एक पहाड़ी की तरफ वो लोग बढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि वो पहाड़ी के नीचे कूद जाएंगे। दूसरे सोल्जर्स को ऐसा लगता है कि वो लोग इस पहाड़ी से नीचे कूद जाएंगे तो वो शायद जिंदा नहीं बचेंगे। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें पहाड़ी के नीचे कूदना ही पड़ेगा और ज़ियांग भाई और ज़ियांग दोनों पहाड़ी के नीचे कूद जाते हैं। जब वो पहाड़ी के नीचे कूदते हैं तो सोल्जर्स को लगता है कि अब तो शायद वो मारी गए होंगे, अब उनको कोई जिंदा आएगा नहीं वापस, और फिर वो लोग वापस रिट्रीट कर जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर ज़ियांग भाई और ज़ियांग दोनों पानी में गिरने की वजह से डूबने से लगते हैं। किसी तरह ज़ियांग भाई ज़ियांग को किनारे पर लेके आता है, वो दोनों के अंदर पानी भजाता है, वो लोग कफ करने लगते हैं। तभी ज़ियांग को दिखाई देता है कि ज़ियांग भाई को तो वो एरो लगा हुआ था, एरो को वो निकालने की कोशिश करता है, वो किसी तरह ज़ियांग भाई के कंधे से एरो को निकाल लेता है और उसके बाद उसको बैंडेड कर देता है, अच्छे से वो उसको रैप कर देता है। उसके बाद पूछता है क्या कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या। तब ज़ियांग भाई बोलता है कि दर्द जो है वो है लेकिन थोड़ा कम है, और लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो गई है। और वो उसके प्यार से ज़ियांग के गले में हाथ लगाता है और उसके गाल को सहलाता है और बोलता है कि इस ज़िंदगी में उसे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ ज़ियांग ही चाहिए। और इस तरीके से उसको कफ आने लगता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। ज़ियांग बहुत घबरा जाता है कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर भी कुछ वो कर नहीं सकता। दूसरी तरफ जो एम्परर है, जो जिसने ये सारे लोग भेजे थे, वो बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी ऑर्डर देता है कि ज़ियांग भाई की लाश को ढूंढना जरूरी है क्योंकि जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी ओर
जियांग बाई और जियांग की हालत बहुत ही खराब हो रही होती है। जियांग किसी तरह जियांग बाई का ध्यान रखता है। वो कभी उसकी पट्टियां बदलता है, कभी उसे किसी तरह पानी पिलाता है नदी से लाके, और उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी आ जाते हैं क्योंकि वो जियांग बाई को खोना नहीं चाहता है। उसे अभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योरिटी नहीं रहती, लेकिन कितना भी कुछ भी हो जाए उसके दिल में एक चीज रहती है कि वो जियांग बाई को खोना नहीं चाहता। तभी जियांग बाई की टीम के सारे लोग आ जाते हैं और लॉर्ड एक्सू बोलते हैं कि मुझे आने में देर हो गई अब, लेकिन कैसे बाहर निकला जाए। वो लोग एक गहराई के अंदर फंसे हुए हैं। तभी वो लोग इन पेड़ों की रस्सियों को बनाते हैं और उसमें किसी तरह जियांग को पहले जाने के लिए कहते हैं। जियांग किसी तरह ऊपर चढ़ना चाहता है, लेकिन वो जियांग भाई को पीछे भी नहीं छोड़ना चाहता। जियांग भाई उसे किसी तरह उसकी शर्ट से पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ धक्का दे देता है। जैसे ही वो धक्का देता है वो पहाड़ी के ऊपर तो आ जाता है, लेकिन जियांग भाई नीचे ही रह जाता है और जियांग भाई नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। जियांग को किसी तरह उसके पैलेस में पहुंचाया जाता है। जब वो अपने पैलेस में पहुंचता है तो वो बहुत बीमार हो चुका होता है और उसको बहुत बुखार होता है। वो किसी तरह 2 दिन तक सोया रहता है, उसे होश ही नहीं आता, लेकिन उसे लगातार बुरे सपने आते रहते हैं जिसमें उसे दिखाई देता है कि जियांग भाई बहुत घायल है और वो उसको किसी भी तरह ठीक नहीं कर पाता है। वो ऐसे सपने देख के घबराहट में उठता है। तभी उसकी सर्वेंट आती है, पूछती क्या हो गया कि आपने खराब सपना देखा, आप 2 दिन के बाद उठे हैं, आप कुछ खा लीजिए। तभी एक और सर्वेंट आती है, लेकिन वो सर्वेंट नहीं होती, वो सर्वेंट के रूप में जी राव होती है जो कि किसी तरह सर्वेंट की वेशभूषा में अपने आप को पैलेस से निकाल के आती है और जियांग से पूछती है कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हुआ मेरे भाई को। जियांग उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उन पे हमला हुआ और कैसे जियांग भाई ने उसे क्लिफ के ऊपर भेज दिया और वो खुद नीचे रह गया। साथ ही वो ये भी बताता है कि राव तुम्हें जान के ये दुख होगा कि तुम्हारे पिताजी जो है वो जान भाई की जान लेना चाहते हैं। ये सुनकर जिया राव जो है वो दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जियांग पूछता है कि तुम ऐसे मेड सर्वेंट के कपड़े पहन के क्यों आई हो। तो वो बताती है कि उसके पिताजी ने उसका महल से निकलना बंद कर रखा है, लेकिन उसे बहुत चिंता थी अपने भाई की, इसलिए वो किसी तरह अपने महल से निकलने के लिए वो इस तरह के कपड़े पहन के डिस्गाइज में तुमसे मिलने आई है मतलब। और दूसरी तरफ जनरल ऑफ कैंग लैन लिन ह्यू जो एक घोड़े पे आ रहे होते हैं और वो देखते हैं और वो यी जांग सामा को सॉरी कहते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें अपना ब्रदर बुलाते हैं। और तभी दूसरा आदमी पूछता है कि जनरल आप तैयार हैं जाने के लिए। जनरल बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ जाने के लिए, हमें अपनी प्रिपरेशंस जो है बहुत ही सोच समझ के और चालाकी से करनी होगी जिससे हम किसी की द्वारा पकड़े ना जा सके। दूसरी तरफ ये जो जनरल एक नए आए हैं वो बैठ के देख रहे होते हैं, योजना बना रहे होते हैं कि कैसे हमारा मतलब सिपाही लोग आगे चलेंगे। तभी वो बताते हैं कि जैन भाई ने एक योजना उनके लिए दी है जो कि फूड समस्या से रिलेटेड है और ये समस्या वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें बाई फैंग को सपोर्ट करना होगा। तभी जनरल जो है वो भी तैयार हो जाता है और साथ ही वो एक नई योजना बनाने लगते हैं कि कैसे हम फैंग के साथ कॉपरेट करेंगे। फैंग को कुछ और नहीं चाहिए होता है, लेकिन फैंग को जो है ये जनरल के सोल्जर्स चाहिए होते हैं। और फिर जनरल सब कुछ चीजों को सोचता है, समझता है और फिर बोलता है कि इतने साल तक हमने फाइट किया लेकिन हमें कभी भी कुछ नहीं मिला, और जो जैन भाई है उसके साथ यदि हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जैन भाई जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट भी है तो हमें इसके कारण कोई समस्या नहीं होगी, मतलब वो हमारे पीछे कोई राजनीति नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ बटलर ली आता है और जाता है और पूछता है जियांग को कि आप थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहते हैं क्या, आप बहुत देर से काम कर रहे हैं और आपकी हालत भी अच्छी नहीं थी। तो जियांग बोलता है नहीं, हमें किसी भी तरह जो कल्प्रिट है उसे कैच करना पड़ेगा जिसने ये सब कराया है, हमें उसकी योजना बनानी है, लेकिन जब तक जैन भाई आता नहीं है तब तक मैं उसका जितना भी काम है वो सब मैं देखूंगा और मैं किसी भी तरह उसके एम्पायर को संभाल के रखूंगा जब तक वो नहीं आता। और फिर ऐसा करके बटलर ली जो है वो चला जाता है, लेकिन जैन जो है वो इतना थक चुका होता है कि वो काम करते करते सो जाता है। तभी लुनार आती है उसकी सर्वेंट और आके बोलती है कि जो फॉरबिडन आर्मी है उनको लेके
ये आए हैं, क्या कहते हैं, हमारे कमांडर एक्सवी के साथ आई है वो आर्मी, और वो यहाँ पर खड़ी है और वो देखना चाहती है कि अब इस एम्पायर का क्या होगा। तो जियांग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें वापस मत ले जाओ और मैं वहां आता हूँ और आके देखता हूँ कि क्या होता है। तभी कमांडर ऑफ फॉरबिडन आर्मी वहां पर आते हैं जिनका नाम है जैंग लाओ, और वो बोलते हैं कि ये जो गार्ड है मैं इन्हें यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, ये लोग यहाँ पर निगरानी करेंगे। इन लोगों का की मंशा अच्छी नहीं, ये लोग जैन भाई के मैनर पे और उसके मतलब जो उसके अंडर में जितना भी सामान है उसको अपने अंडर में लेना चाहते हैं, और एम्परर ने इनको यहाँ भेजा होता है, जिसकी वजह से ये लोग जब देखते है कि जैन भाई नहीं है तो वो चाहते है कि किसी भी तरह हम यहाँ पर इनका कब्जा कर सके। तभी लॉर्ड एक्सू तैयार होते हैं बैटल करने के लिए, लेकिन तब जियांग आ जाता है और लॉर्ड एक्सू के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम थोड़ा शांति रखो मैं बात करता हूँ। तो जियांग पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ, तो जो आदमी आया है वो बोलता है कि मैं आपको यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ प्रिंसेस, और कुछ नहीं। तो फिर जियांग बोलता है कि ठीक है यदि तुम इसीलिए आए हो तो तुम एक काम करो कि इस प्लेस को गार्ड करने से पहले तुम इस घर में जो जो चीजें नहीं है उन चीजों का लेके आओ, अकॉर्डिंग टू लॉ जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें तुम करो। तो फिर बोलती है, वो बोलता है, जियांग बोलता है कि तुमने कहा है कि तुम पैलेस को प्रोटेक्ट करोगे इसीलिए तुम जाओ जाके वेजिटेबल्स वगैरह लाओ, क्योंकि ये भी पैलेस में जो है खत्म हो गया है, ये सारी चीजें भरनी जरूरी है, नहीं तो लोग कैसे खाएंगे, और यदि वो खाना नहीं खाएंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। तभी सामने जो आदमी खड़ा होता है वो बोलता है ठीक है मैं ये सारा काम करता हूँ, और इसी के साथ वो प्रिंसेस को मतलब जियांग जो है वो तो अब प्रिंसेस के रूप में ही जाना जाता है, तो उसकी बात सुन के चल जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। और उसके बाद जियांग आगे आगे चलता है और वो बताता है कि इस वक्त तो मैंने किसी तरह फॉरबिडन आर्मी को रोक लिया है, लेकिन हमें फिर भी अपनी सिक्योरिटी को तेज रखना पड़ेगा क्योंकि इनके जो इरादे हैं वो सही नहीं लग रहे हैं। और उसी के साथ जियांग बोलता है कि हमें इन्हीं के गेम में इनको डिफीट करना होगा। तो लॉर्ड एक्सू बोलते हैं कि वो अब ये सब समझ गए हैं। दूसरी तरफ जियांग भाई बहुत बुरी तरीके से इंजोर्ड हो चुका होता है, वो बिस्तर पे लेटा होता है और उसकी एक आंख पे भी चोट आई होती है। तभी उसको काफी दिन के बाद होश आता है और वो उठ के बैठता है और एक आदमी को अपने पास पाता है, तो वो पूछता है कि आप कौन है, तो आप कौन है करके। ये आदमी जो है वो फैमिली का एक आदमी होता है जिसने जैन भाई की जान बचाई होती है, और वो जैन भाई को बताता है कि कैसे वो इंजोर्ड हुआ हुआ नदी के किनारे पड़ा हुआ था और उसकी आंख पे भी चोट लगी है, और उसने किसी तरह उसका ट्रीटमेंट किया और वो अब उसे यहाँ तक लेके आया है। जैन भाई उसको धन्यवाद देता है और उसको काफी सारे बेनिफिट्स प्रॉमिस करता है, जिसकी वजह से उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है, और वो बोलता है कि आज रात हम शुआनशिंग शान कैपिटल में जाएंगे और वहां पर हम रात बिताएंगे। और बोला कि यदि डॉक्टर आपके साथ होंगे, यदि आपको कोई प्रॉब्लम रही तो डॉक्टर आपको देखेंगे। तभी जान भाई अपने फेस पे हाथ लगाता है और सोचता है कि मेरे फेस को क्या हुआ। तभी उसे याद आता है कि कैसे फाइट में उसके आग पे चोट लग गई थी और उसका उसका उस टाइम पे लोग पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत देर हो जाती है और सब पॉइजन उसको फैल जाता है। और तभी वो सोचता है कि यदि जियांग को पता चलेगा कि मेरे आंख में ऐसी चोट लगी है तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगा, क्या वो मुझे पसंद नहीं करेगा। तो तभी ये आदमी जो वु फैमिली का बेटा होता है वो बोलता है कि मास्टर मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। और तभी ये सोचता है कि मैं क्या फेवर मांगू, और फिर वो बोलता है कि मुझे किसी चीज में हेल्प कर दो। तो जियांग भाई जो है वो तैयार हो जाता है। फिर जियांग भाई बोलता है मैं भी एक आपसे फेवर मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे शानशुंग शान जो सिटी है वहां पर आप मुझे एक रहने के लिए कोई जगह दे सकते हैं क्या, और जो मेरी जो पत्नी है वो अभी तक वापस नहीं आई है और वो जब आएगी तो वो मुझे इस हाल में देखेगी तो बहुत ही नर्वस हो जाएगी। तो ये जो वो फैमिली का आदमी होता है वो इस चीज के लिए एग्री कर लेता है। तभी दूसरी तरफ जियांग सबको बुलाता है और बोलता है कि सबको इधर आना है, मैंने एक प्लान बनाया है और हमें उस प्लान को फॉलो करना है। वो बटलर ली को बुलाता है और कमांडर एक्सवी को भी बुलाता है और बोलता है ये मेरा प्लान है, क्या
तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? क्योंकि यदि हम अभी अपने मैनर की सेफ्टी नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो एल्डरली भी सोचता है कि क्या करना चाहिए, वो सारे सर्वेंट्स को निकाल देता है और बहुत गिने चुने लोगों को रखता है। तभी ज़ियांग बोलता है कि सबको निकालने का जो विषय है वो इसलिए ऐसा है कि हम उन्हीं लोगों के साथ बात कर सके जो ट्रस्टवर्दी है, और इससे हमें बहुत सारे लोगों के साथ डील करने में भी बच जाएंगे। तभी बैटलर ली और एक्सुई दोनों डिसाइड करते हैं कि ये प्लान सबसे अच्छा है और दोनों इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ज़ियांग सोचता है कि किसी ने उसके लिए जो लेटर भेजा है वो किसका लेटर है। ज़ियांग उस लेटर को खोलता है और पता है उस लेटर में लिखा होता है कि मैं डेंजर से बच चुका हूँ और किसी तरह मैं अभी भी जिंदा हूँ, और मैं जो हूँ कब वापस लौटूंगा मैं नहीं बता सकता, और लेकिन तुम अभी भी सेफ हो क्योंकि जब तक मेरी डेड बॉडी एम्परर को नहीं मिलेगी तब तक वो तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। तो ज़ियांग जो है ये लेटर पढ़ के थोड़ा सा दुखी भी होता है और खुश भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसे पता है ज़ियांग भाई जिंदा है, लेकिन दुखी इसलिए क्योंकि ज़ियांग भाई अभी तक सामने नहीं आता है। तभी लोग पूछते हैं कि प्रिंसेस क्या हुआ, क्राउन प्रिंसेस क्या हुआ, तुम इतनी चुप सी क्यों हो गई? तो प्रिंसेस यानी ज़ियांग भाई ज़ियांग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए क्योंकि ज़ियांग भाई जिंदा है। और तभी उसके जो सेवक हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ ये अच्छी बात है और कि वो जिंदा है। तो बटलर ही बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस आप चिंता मत करो, अब आप थोड़ी देर आराम करो, ये एक अच्छी खुशी की बात है कि ज़ियांग भाई जिंदा है। करके ज़ियांग बोलता है मुझे भी पता है कि वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, लेकिन मेरे जो फीलिंग्स उसके लिए वो अब और डीप होते जा रहे हैं और इस डीप फीलिंग्स के साथ अब मैं उसके बारे में सोचना चालू कर चुका हूँ। और तभी दूसरी तरफ कोई आता है और बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस आप थोड़ा मेडिसिन पी लो, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। जबकि जो ज़ियांग है वो थका होता है और टेबल पे ही सो जाता है, लेकिन फिर भी वो उठता है और ओबीडियंटली डॉक्टर की दी हुई दवाई को पीता है। सोचता है कि अब आगे क्या किया जाए, और ज़ियांग बोलता है कि डॉक्टर लाओ मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़ियांग भाई के जो शरीर का पॉइजन था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो ये पॉइजन कैसे क्लियर किया जाएगा। तो वो बताता है कि हमें एक जड़ी बूटी चाहिए जो मिल नहीं रही है, और वो जड़ी बूटी मिल जाएगी तभी हम उस जड़ी बूटी का उपयोग करके उसको हम दवाई बना सकते हैं। दूसरी तरफ ज़ियांग भाई अभी थोड़ा रिकवर हो चुका होता है, वो हसल बसल देखता है बाजार की और आगे चलता है। बहुत सारी खूबसूरत लेडीज निकलती हैं और बोलती हैं कि आप हमारे यहाँ आई हैं, आप हमारे यहाँ आए हैं, यंग मास्टर हमारे यहाँ पर भी आई है। तभी ज़ियांग भाई एक जगह पे जाता है और वहां पर वो अपने एक परिचित से मिलता है। उसका परिचित बोलता है कि बहुत लंबा समय हुआ तुम्हें मिले हुए, कई साल पहले हम बैटल फील्ड में मिले थे, उसके बाद हम नहीं मिले, और ये कोई और नहीं होते, ये क्राउन प्रिंस कैंग लैंग होते हैं। और तभी वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ कैपिटल में। तब ज़ियांग भाई बताता है कि एम्परर को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी टेरिटरी में, और मैं बताना भी नहीं चाहता, तो मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तभी जो ये प्रिंस हैं वो बुलाते हैं अपनी नौकरानी को और बोलते हैं कि तुम टी को सर्व करो, लेकिन जो नौकरानी है वो टी सर्व करने के साथ साथ उस ज़ियांग भाई को भी हाथ लगाना चाहती है। ज़ियांग भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरे से डिस्टेंस दूर रखो। और तभी वो औरत बोलती है कि ठीक है सर सॉरी। तभी फ्रेंड्स बोलते हैं कि फैंग भाई तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ, यदि तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम उसको इस तरह पर मतलब उसके हाथ को पकड़ के ऐसे उसके साथ दुर्व्यवहार भी मत करो। फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बातें होती है और ज़ियांग भाई बोलता है कि मैं अपना इलाज कराना चाहता हूँ, और वो अपने आंखों का जो मास्क होता है वो निकाल के दिखाता है। तभी प्रिंस बोलते हैं तुम्हारे फेस को क्या हुआ, बिना मटेरियल आर्ट के ये कैसे मतलब पॉसिबल है, तुम्हारा क्या तुमने बहुत ज्यादा अपना मटेरियल आर्ट यूज किया जिसकी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो गई, या फिर तुम्हारा पॉइजन एक्टिव हो रहा है। तभी ज़ियांग भाई बताता है कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हारे पास एक वो फॉर्चून टेलर की वजह से आया हूं, क्या तुम बता सकते हो कि वो फॉर्चून बताने वाला आदमी कहाँ है, मुझे
अपना बोन मैरो को क्लींस कराना है कम्प्लीटली, जिससे कि ये मेरा पॉइजन पूरा सॉल्व हो जाए। तभी प्रिंस बोलता है कि यदि बोन मैरो को हम चेंज करेंगे तो ये तो बहुत पागलपन होगा, ये बहुत दर्दनाक भी हो सकता है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान भाई बोलता है कि लेकिन मैं और देर नहीं कर सकता, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें किसी भी तरह इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तभी प्रिंस बोलता है ठीक है हम जाएंगे और उस फॉर्चून टेलर को ढूंढेंगे, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सावधान रहना होगा। और ऐसा करके प्रिंस उसको अपने साथ फॉर्चून टेलर की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ियांग सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, और तभी लॉर्ड एक्सेवू बोलते हैं कि तुम अपने रूम में जाओ और जाके रेस्ट करो, बहुत देर से तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, अभी तक हमें किसी भी तरीके से ये नहीं पता चला है कि ज़ियांग भाई किस लोकेशन में है। और फिर तभी ज़ियांग बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मत सोचो कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ करके। तभी दो लोगों को पकड़ के लेके आया जाता है और उस उनसे इंटरोगेट किया जाता है। वो बताते हैं कि हम जो है हमें किसने भेजा था। ज़ियांग बोलता है कि इन्हें मारो मत, बस इन्हें टॉर्चर करो। तभी एक और आदमी आता है और बोलता है प्रिजन में एक औरत को बहुत समय से रखा गया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ वो नहीं किया गया, मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और तब ज़ियांग जाता है और देखता है तो वो कोई और औरत नहीं निकलती, वो ज़ियांग की तीसरी बहन ही निकलती है जो कुबिंग के रूप में जान भाई की पत्नी बन के आई थी। और फिर वो बोलता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था और इसे इसी फॉरबिडन एरिया में सड़ने दो। तो लॉर्ड एक्सी बोलते है ठीक है ऐसे ही जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा। ज़ियांग अपने कमरे में सोने जाता है, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो उसे एक आता है और जान भाई इंटीमेट सीन कर रहे हैं। और जल्दी से सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। तभी वो देखता है कि ज़ियांग भाई उसे किस कर रहा है और उसको लेटा रखा है बिस्तर में। ज़ियांग बोलता है कि थोड़ा धीरे करो, और ज़ियांग भाई बोलता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं। तभी वो अपने सपने से उठता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो देखता है तो उसको अपने कपड़े वपड़े सब कुछ सही नजर आते हैं, तो उसे रियलाइज होता है कि ये हकीकत नहीं, वाकई में एक सपना था। और दूसरी तरफ जो कमांडर है वो मिलने के लिए आता है ज़ियांग से और बोलता है कि अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो ज़ियांग भी बोलता है ठीक है, आपने जो इतने दिन मेरी सेवा करी उसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप इतनी जल्दी जाए, मतलब मुझे दुख है आपके इतने जल्दी जाने से। कमांडर फिर भी बोलता है कि प्रिंसेस आप बहुत पोलाइट हैं करके मैं फिर अपनी लीव लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ। कमांडर चला जाता है। ज़ियांग और उसका गार्ड बात कर रहे होते हैं कि कमांडर चले गए हैं, वो जो भी देखना चाहते थे और जो ढूंढना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला। जो ये लोग सब यही देखने आए थे कि ज़ियांग भाई के अभी जिंदा है या नहीं, या इनका कोई कांटेक्ट जान भाई के साथ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जान भाई की लाश नहीं मिली होती है। तभी दूसरी ओर ज़ियांग ज़ी युआन आता है जो कि ज़ियांग का पार्टनर है, कपड़े बनाने के उसमें और उसके बिजनेस के उसमें जो उसका पार्टनर है वो आता है। अब दोनों बात करना मांगते हैं। वो अपने शॉप की देखरेख के लिए उसने अपना सारा शॉप का काम इन्हीं के ऊपर सौंप रखा होता है युआन के ऊपर। तभी युआन बोलता है ज़ियांग का हाथ पकड़ के कि यदि कभी ज़ियांग भाई वापस नहीं आया और तुम एकदम अकेले हो जाओ तो तुम एक बार मुझे कंसीडर करने के बारे में सोचना, क्योंकि युआन को भी ज़ियांग से प्यार हो चुका होता है। लेकिन ज़ियांग सोचता है कि अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा सब पॉसिबल ही नहीं है, और वो कोशिश करता है समझाने की ये कि ऐसा नहीं हो सकता है और मैं जो हूँ मैं अभी एक बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ तो हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो कहता है मैं सोचता हूँ कि युआन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअली ज़ियांग उसे रिजेक्ट करना चाहता है, लेकिन पोलाइटली रिजेक्ट करना उसके लिए सही होगा बनिस्बत उसे हार्श शब्दों में कह देना। युआन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन युआन कभी भी कुछ समझता नहीं है। दूसरी ओर ज़ियांग अपने कमरे में जाता है और वो बहुत परेशान हो रहा होता है, उसे लगता है कि सब कुछ इतना ज्यादा कैसे हो गया है। उसे युआन के साथ अपने बिजनेस के बारे में भी बात करनी है और दूसरी तरफ ज़ियांग भाई
का कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, ये हमला कैसे हुआ, किस लिए हुआ, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तभी सोल्जर आता है और बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस, हमें पैसा को पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है, हमें वो पैसा मोबाइल करना पड़ेगा। तभी वो एक नक्शा भी लेके आता है और बताता है कि ये नक्शा हमारे पैलेस का है और इसमें वेयर हाउस का भी डिटेल दिया गया है और जितना पैसा हमने जमा किया था वो सब वेयर हाउस में है, लेकिन अब हमें उन्हें कैश में करवाना पड़ेगा जिससे कि हम रकम को ज़ियांग भाई को भेज सके। ज़ियांग बैठ के होता है और सोचता है कि इतना सारा पैसा यहाँ से वहां मोबालाइज हो रहा है, कुछ लोग दूसरे भी जो इसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तभी ज़ियांग बोलता है कि जो आदमी पैसे और वेयर हाउस की देखरेख करता है उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ क्योंकि इस तरीके से फ्रॉड करना सही बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ज़ियांग भाई अपने दोस्त के साथ फॉर्चून टेलर को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ता है। उसका दोस्त बोलता है कि ब्रदर यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलो क्योंकि यहाँ पर काफी पॉइजनस ग्रास है और पॉइजनस जानवर भी हैं। और फिर दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और आगे पहुंच के वो फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं। फॉर्चून टेलर को वो बोलते हैं कि मैं अपने शरीर से जो बोन मैरो है उसको निकलवा के उसको क्लीन करना चाहता हूँ जिससे कि मेरा जो पॉइजन है वो ठीक हो सके। तो फॉर्चून ट्रेलर बताता है कि ये एक बहुत ही रिस्की प्रतिक्रिया है, यदि इसे हम करेंगे तो इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो जान भाई बोलता है लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, हमें ये किसी भी हाल में इसे ठीक करना ही पड़ेगा। और तभी उसका ब्रदर बोलता है कि फॉर्चून ट्रेलर आप को कोई वो करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यदि आप हमें ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम आपकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फॉर्चून ट्रेलर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यदि तुम ठीक हो जाते हो तो तुम्हें बस अच्छाई के काम करने होंगे, बस इतना तुम्हें मुझे वादा करना है। जान भाई उन्हें वादा करता है कि वो यदि ठीक हो जाता है तो वो सबका अच्छा देख रेख करेगा और अच्छे काम करेगा। फॉर्चून टेलर उसको बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये क्लींजिंग पॉइजन क्लींजिंग की प्रक्रिया को जो है और बोन मैरो की क्लींजिंग की जो प्रोसेस है उसे मैं तैयार हूँ करने के लिए, लेकिन इसमें तुम्हें बता दूंगी इसमें बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, तुम्हें ये सारी तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। तभी उसका दोस्त जैन भाई का दोस्त बोलता है कि लेकिन ब्रदर ये तो बहुत ही पेनफुल है, क्या तुम इसे सहन कर पाओगे? तो जैन भाई बोलता है हाँ मुझे करना ही होगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ जीवांश मदर हाउनिंग जो है वो बहुत सज धज के खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन है नोबलमैन जो आप मेरे पास आए हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ पर मास्टर वू के तरफ से आया हूँ और मास्टर वू ने मुझे यहाँ पर भेजा है आपके पास, और वो उन्हें एक रोल देता है, उस रोल में कुछ लिखा होता है जिसके बारे में लॉ सूट के बारे में लिखा होता है, उनकी मतलब जो भी नीति होती है वो उन्हीं की होती है। तभी मैडम बहुत ही गुस्से में आ जाती है और पूछती है तुम कहाँ से हो? तो ये आदमी बोलता है कि आप बाद में जानेंगी कि मैं कहाँ से हूँ, लेकिन आप अपनी प्राइस बताइए। तभी लड़की आती है और वो पूछती है कि मदर क्या प्रॉब्लम है, आप इतनी क्यों परेशान लग रही हो? तो उनकी माँ बोलती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं ये पैलेस को खरीदना चाहता हूँ और ये पैलेस को खरीदने के लिए आपको मैं कुछ दिन का मतलब बेचने के लिए कुछ दिन का समय दे रहा हूँ, ऐसा कह के वो चला जाता है। दूसरी ओर जैन भाई का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जैन भाई को काफी दर्द होता है उस ट्रीटमेंट को लेने में, उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस के रखते है जिससे कि वो दर्द के मारे आवाज ना निकाल सके। दूसरी तरफ ज़ियांग पैसों का इंतजाम कर चुका होता है और वो अपने दोस्त युआन के साथ मार्केट में जाता है घूमने के लिए, और इसी बहाने उसको भी देखना होता है कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। वहां वो देखता है एक छोटा लड़का आया है जो एक शॉप में केक शॉप में जाता है और बोलता है कि उसे 2 कोल्ड केक चाहिए। तभी ज़ियांग को याद आता है कि जब वो छोटा था तो वो कैसे कोल्ड केक खाना मांगता था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो ले सके, लेकिन आज के जमाने में वो बच्चे जो छोटा बच्चा है वो ये केक ले सकता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ज़ियांग और यान दोनों बात करते हुए
जाते हैं और देखते हैं कि लैटिन फेस्टिवल भी बहुत अच्छी तरीके से मन रहा होता है। तभी ज़ियांग की नजर पड़ती है किसी एक आदमी पे जो उसे बिल्कुल ज़ान भाई की तरह दिखाई देता है और ज़ियांग सब कुछ छोड़ के उस आदमी के पीछे भागने लगता है। हालांकि वो आदमी ज़ियांग भाई ही होता है लेकिन वो फिर भी उसके पीछे भागता है। उसे ऐसा लगता है कि ज़ियांग भाई यहाँ आ गया और लेकिन उसने उसे बताया भी नहीं। वो काफी देर तक उसका पीछा करता है और तभी क्या कहते हैं इसका जो ज़ियांग भाई का दोस्त होता है वो ज़ियांग को बेहोश करके इधर ले आता है और ज़ियांग भाई को बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हो लेकिन तुम्हारी जो प्रिंसेस है क्राउन प्रिंसेस वो तो किसी और आदमी के साथ घूम रही है। और उसके मतलब वो क्राउन प्रिंसेस को बुरा दिखाने की कोशिश करता है लेकिन ज़ियांग भाई उसको बोलता है तुम कमरे के बाहर जाओ, गेट आउट कर देता है। और तभी ज़ियांग को होश आता है, उसके आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और वो सोचता है कि वो कहाँ आ गया है। वो तो ज़ियांग भाई का पीछा कर रहा हो रहा होता है लेकिन उसे किसने किडनैप कर लिया और क्यों किडनैप कर लिया। तभी ज़ियांग भाई आगे आके खड़ा होता है और ज़ियांग को लगता है कि इस रूम में एक और आदमी है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा है। तुम्हें पता है कि यदि ये बात मेरे मैडम को पता चल जाएगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये मैडम को रेफर कर रहा है ज़ियांग भाई के को लेके। तभी ज़ियांग भाई ज़ियांग को धक्का देता है और उसको लिटा देता है और बोलता है कौन सी मैडम। तो वो बताता है कि मैडम यानी मेरा जो ज़ियांग भाई मेरा जो प्रिंस है वो। तो ज़ियांग भाई की जो ग्रिप होती है ज़ियांग पे थोड़ा लूज हो जाती है और ज़ियांग भाई पूछता है कि जिस आदमी के साथ तुम घूम रहे थे वो कौन है। तो वो बताता है ज़ियांग बताता है कि वो तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो मेरा कोई लवर ववर नहीं है। ज़ियांग भाई बोलता है कि सच में वो तुम्हारा लवर नहीं है। तो वो बोलता है हाँ वो मेरा लवर नहीं है। ज़ियांग ज़ियांग भाई की तरफ देखता है और उसे एक जोर से चाटा मार देता है। ज़ियांग भाई को बहुत जोर से चाटा लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तभी ज़ियांग सोचता है कि मैंने उसे इतनी जोर से चाटा मारा, वो चाहता तो उसे डॉज भी कर सकता था लेकिन उसने उसे डॉज नहीं किया। क्या हो रहा है? तभी ज़ियांग भाई ज़ियांग को हाथ लगाता है और बोलता है सॉरी, शायद तुम्हें मैंने डरा दिया। और उसके बाद फिर ज़ियांग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा आदमी हूँ जो किसी के भी साथ में प्यार हो जाएगा मुझे। और वो उसे बताता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं प्यार कर सकता। और इसी को सुन के ज़ियांग भाई ज़ियांग के एकदम करीब आ जाता है और ज़ियांग को गले में किस करता है और उनके बीच में इंटीमेट सीन होता है। और ज़ियांग बोलता है कि मेरे ऊपर से जाओ। और फिर भी ज़ियांग जो ज़ियांग भाई जो है वो उसके मजे लेता है और बोलता है कि उसने उसे मैडम बुलाया। ज़ियांग भाई ज़ियांग की कमर में हाथ डाल रहा होता है, वो बोलता है नहीं नहीं मुझे तुम कमर में हाथ मत डालो। और वो बोलता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। तभी ज़ियांग भाई बोलता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ। और उनके बीच में एक इंटीमेट सीन अच्छी तरह से होने लगता है। रात बीत जाती है, दूसरा दिन का सवेरा हो जाता है। ज़ियांग भाई और ज़ियांग दोनों उठ चुके होते हैं लेकिन वो अभी भी नेकेड पड़े होते हैं। और दूसरी तरफ जो युआन आया होता है ज़ियांग के साथ, वो और ज़ियांग भाई का भाई दोनों मिलके बात कर रहे होते हैं। ज़ियांग भाई ज़ियांग को अपना असली चेहरा दिखाता और बताता है कि उसकी आंख में चोट लग गई है तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी। ज़ियांग बोलता है कि नहीं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो जैसा है वह उसे वैसे ही पसंद करता है। वापस उसका आंख का पैच उसकी आंख में लगा देता है।